अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुफियान पेट केयर। तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए अपनी नई वीडियो में अपने पूरे कबूतरों के साथ। यहाँ पे आजकल बड़ा विचलित काम हो रहा है कबूतरों में, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं चाह नहीं रहा कबूतरों के बच्चे निकलवाना और कबूतरों के बच्चे निकले जा रहे हैं। बहरहाल होना ना होना वो अल्लाह की ज़ात में, पर इस टाइम मैं चाह नहीं रहा कि मेरे कबूतर ढाबली में अंडे, क्योंकि इस टाइम दाने आप लोग जान रहे कबूतरों के दाने पट्ठों में बहुत निकलते हैं, तो इसीलिए मैं चाह नहीं रहा था कि जो कबूतरों के पट्ठों में पट्ठे निकले। पर अब क्या करें, अंडे जो पुराने रखे तो उनमें से अंडों में से बच्चे निकल आए, तो कोई बात नहीं। अब है जो है उनको कर भी तो नहीं सकते, कुछ कह भी तो नहीं सकते, उनको देखते हैं उनके ऊपर है। बाकी मैं दवाइयाँ कर रहा हूँ उन कबूतरों के पट्ठों के साथ। एक दवाई मैं लाया भी था दरअसल, दवाई में पट्ठों के दानों के लिए लाया था, फ्लाई जेल नाम है इस दवाई का। आप भी दोस्तों अगर एक बार यूज़ करना हो तो यूज़ करके देख लीजिए। दो से तीन दिन, मतलब एक दिन एक दीजिए फिर दूसरे दिन एक दीजिए, ऐसे करके आधी आधी करके देंगे आप पट्ठों में, तो मतलब ऐसा रहता है कि पट्ठा इतनी जल्दी नहीं मरता। पट्ठों में जो दाने होते हैं दाने का रेशियो इससे कम हो जाता है थोड़ा, जैसे कि आपने आज दिया पट्ठे का दाना ज़्यादा है, ठीक है, और फिर आपने पट्ठे को दिया कल, तो धीरे धीरे पट्ठे के दाने कम हो जाते हैं। इससे मतलब ऐसा नहीं मिला मुझे रिज़ल्ट कि जो है पूरे पूरे दाने कम हुए, हाँ पर हुए हैं इससे कम, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो भी हो, ये कबूतर सारे मेरे खुले हुए हैं। और ये देखिए, मैं चाह नहीं रहा था पट्ठा निकालना, पर एक ये पट्ठा निकला मेरी डाबी में, देख सकते हैं आप लोग, ये पट्ठा निकला मेरी डाबी में, देख सकते हैं। और आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हो, माशाल्लाह पहली बार प्लग भी लगा रही है, जो भी हो अल्लाह। बस एक यही पट्टा था जिसके दाने नहीं निकला, वो भी इतना बढ़िया पट्टे निकला है। बाकी देख रहे हैं आप लोग, मैं कबूतर अभी चाह नहीं रहा उड़ाना, और पर मेरे कबूतर ऐसे ही हैं कि खुलते ही उड़े जा रहे। ये देखिए टैडी वाली मादा है, ये टैडी मादा मेरी, ऊपर वो जामनी पंजे वाला नर उल्ला मेरा दिख रहा होगा हल्का बहुत बोल रहा है। उसको तो मैं क्या बताऊं, जितना मैं सोचता हूँ उसको ना उड़ाऊँ उतना ही उड़ जाता है। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि अंडे नहीं चाह रहा था बच्चे निकलना, ये देख सकते हैं ढाबली में, ये कोने में मेरी ढाबली के एकदम अच्छे निकला है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ये देख सकते हैं दो बच्चे निकले पूरे। बाकी अब देखते हैं क्या होता है इनके साथ, मैं तो चाहूँगा अल्लाह करे ये बच जाए, पर ये पता नहीं गुमनामों में है, पता नहीं किसने अंडा रखा हो, कब से कब बच्चे निकला है इनमें। और अभी ढाबली थोड़ी गंदी है, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ, तो रोज़े से रह करके मैं अभी ढाबली में वो साफ़ सफाई कर नहीं पा रहा हूँ। अब रमज़ान बाद इंशाल्लाह शौक भी बहुत अच्छा होगा और कबूतरबाजी भी बहुत अच्छी होगी, और ये ढाबली अभी सब साफ़ हो जाएगी, पक्का प्रॉमिस, ढाबली पूरी साफ़ कर दूँगा मैं। एक ये देखिए, ये कलदुमा पट्ठा निकाला था मैंने, बहुत पहले निकला था ये, बस एक यही पट्ठा निकला मेरी ढाबली में, बाकी सब तो ऐसी ही है खरीदे हुए। ये देखिए कि पकड़ी हुई मादा थी जो सबसे पहले पकड़ी हुई थी, बाकी उस पट्ठे को जो है वो ये लाखी मादा बनाई, शायद इसी के अंडे में से बच्चे निकले, देखते हैं क्या निकलता है बच्चा, कैसे निकलता है। बाकी जो भी अभी तो इन लोग को अभी मैंने खोला है, दाना वाना देना है। एक ये देखिए कलदुमा पट्ठा निकला, देख सकते हैं इस हिसाब से मेरी ढाबली में पट्ठों में दाने निकल गए, देख सकते हैं ये बाकी के अंदर बड़ा सारा। तो देखा आपने जैसे कि अभी कबूतर खोले मैंने, चलिए मैं इनको अब दाना दे देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।